साल के सबसे बड़े त्यौहार यानी दिवाली से ठीक पहले मध्य प्रदेश के तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा ट्रक और टैंकर के पहिए थम चुके हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हड़ताल पर चली गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ से जो बातचीत हुई थी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की वो बेनतीजा रही और इसीलिए 5 अक्टूबर से ये सभी ट्रक एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग अब हड़ताल पे चले गए। नतीजा मध्य प्रदेश में तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा ट्रक और टैंकर जो है वो फिलहाल इसी तरीके से कतारबद्ध होकर खड़े हैं। आमतौर पर भोपाल के ट्रांसपोर्ट नगर में रहने वाली चहल पहल और ट्रकों का आवागमन इन दिनों गायब है। ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। दरअसल भोपाल जैसी ही तस्वीर पूरे मध्य प्रदेश की है जहां हड़ताल की वजह से करीब 1.5 लाख से ज्यादा ट्रकों के पहिए थम गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ से 4 दिन पहले हुई ट्रक ऑपरेटरों की बैठक बेनतीजा रहने के बाद शनिवार 5 अक्टूबर से सूबे के ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए हैं। इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले मध्य प्रदेश की करीब 60 अलग अलग ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस हड़ताल को समर्थन दिया है जिसके बाद मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख से ज्यादा ट्रकों के पहिए शनिवार से थम गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास अपनी दुर्दशा बताने गए थे, अपनी वेदना प्रकट करने गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े चेतावनी वाले शब्दों में कहा कि जाइए और आप हड़ताल कीजिए, तो हम आज उनकी मांग का उनकी स्वीकार करते हुए सड़कों पे उतरे हैं। मध्य प्रदेश का ट्रांसपोर्टर्स और मध्य प्रदेश का व्यापारी कभी हड़ताल नहीं करना चाहता, परंतु आंदोलन के लिए विवश होकर जब हमारे पास एक तरफ खुदकुशी करने के अलावा कुछ चारा बचा नहीं, डीजल पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि, जब मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो ये कह के आई थी कि वैट टैक्स में बढ़ोतरी नहीं करेंगे और दूसरी उन्होंने बेतहाशा वृद्धि करके डीजल पेट्रोल की मार मार दी। आज डीजल मध्य प्रदेश में कोई भी ट्रक वाले डीजल डलवाने से मना कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल की अवैध ट्रांसपोर्टेशन होने लग पड़ी, अवैध स्मगलिंग हो रही है। तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी एकदम से, आवाजाही जो रोजमर्रा की चीजें हैं, दिवाली है, ये मतलब आरवाज जितना जो है रोजमर्रा की आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं हो पाएगी उनको किसी किस्म की। कोई सप्लाई हो रही है? अब हड़ताल शुरू हुई इसके बाद से सप्लाई पूरी तरीके से आपने रोक दी है? नहीं नहीं, पूरी तरह से रोक दी है पूरी, मतलब सब यहाँ तो ये अपने लोग कल से बिल्कुल पूरा हो जाएगा। बाकी इंदौर जो जड़ है, मतलब जो पूरा बिजनेस का सेंटर है, वहाँ पे पूरी सब्जी मंडी होंगी, आप देखेंगे तो मतलब पूरा टोटल बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा, कोई कुछ वहाँ तो डीजल पेट्रोल टैंक भी मतलब जो टैंकर है वो भी व्यवस्था उन्होंने पूरी टोटल बंद कर। दरअसल ट्रांसपोर्टरों ने 1 अक्टूबर को सीएम कमलनाथ से भोपाल में मुलाकात कर 28,000 किलो या उससे भारी ट्रक के लाइफ टाइम टैक्स को क्वार्टरली करने और डीजल पेट्रोल पर बढ़ाए गए 5% वैट को खत्म करने की मांग की थी, लेकिन जब उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो हड़ताल पर चले गए। त्योहार के मौसम में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल पर बीजेपी ने कमलनाथ सरकार को घेरा है। देखिए, ये झूठ और फरेब की सरकार है। जब सरकार नहीं बनी थी तो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में ये कहा था कि हम पेट्रोल डीजल से वेट कम करेंगे, उन्होंने वेट बढ़ा दिया। इस देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम यदि कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद त्योहार के समय यदि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल होती है और यदि ट्रक के पहिए रुकते हैं तो पूरा विकास रुकता है। आम आदमी के रसोई से लेकर और उसके आंगन तक की खुशहाली खत्म होती है। त्योहार आ रहा है, दीपावली आ रही है, दशहरा आ रहा है, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। अभी ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर गए हैं, अब पेट्रोल पंप मालिक भी कह रहे हैं कि हम भी हड़ताल पर जाएंगे। रविवार को हड़ताल का दूसरा दिन रहा जिसका ज्यादा असर नहीं दिखा, लेकिन माना जा रहा है कि जो ट्रक फिलहाल लोडिंग में है वो रविवार तक अपना माल खाली कर देंगे। उसके बाद लगभग सभी ट्रक और टैंकर जब खड़े हो जाएंगे तो इसका असर दिखने लगेगा। हालांकि इस मामले में जब परिवहन मंत्री से सवाल किया गया तो वो गोलमोल जवाब देने में लगे रहे। जो भी संभव होगा प्रयास किया जाएगा, जो भी संभव होगा मुलाकात। आए तो वो थे ही, सीएम साहब से मुलाकात भी थी 1 अक्टूबर को। सीएम से वो लोग मिले थे, कल हमारे पास भी कुछ लोग आए, हमने उनका आवेदन दिया है और हमने कहा आप सब लोग को है ना अलग अलग करके जो आपके यूनियन है के सारे लोग आ जाओ, बैठ के बात करेंगे, जो भी समस्या है वो निराश करेंगे। नहीं, जो बैट टैक्स बढ़ाया गया 5% इस पे प्रमुख आपत्ति है, वो बैठ के बात करेंगे, आए बैठ के बात करेंगे। सरकार और ट्रांसपोर्टरों के रुख को देखते हुए इस हड़ताल के जल्द खत्म होने के आसार तो नहीं दिख रहे, जिससे इतना तो तय है कि हड़ताल लंबी खिंचने से माल ढुलाई से लेकर
जरूरी सामान जैसे दूध सब्जियों तक के भाव बढ़ सकते हैं। और इसके चलते आपको बताएं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, माल भाड़े की बहुत ज़्यादा जो सप्लाई है वो होती है, और उसके रुकने के बाद इसका असर कहीं ना कहीं दिवाली के दौरान होने वाली खरीदारी पर तो पड़ेगा ही। वहीं डीजल और पेट्रोल, क्योंकि टैंकर भी इस हड़ताल में शामिल है, उनकी जो आपूर्ति है उस भी प्रभावित हो सकती है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।